हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है 20th of November और मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ अभी शाम के 6:30 बजे। तो ये एक बहुत स्पेशल व्लॉग है, ये हमारा एनिवर्सरी स्पेशल व्लॉग है। कल हमारी 6th एनिवर्सरी है। तो हर बार क्या होता है कि वो ही मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज देते हैं, तो इस बार मैंने सोचा, उनका ऑफिस का बहुत प्रेशर चल रहा है और वो आज संडे के दिन आज भी ऑफिस गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार का एनिवर्सरी स्पेशल बनाने की ड्यूटी मेरी। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मुझे कुछ कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। अभी एकांशी अपने दादा दादी के साथ गई है बाहर वॉक पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और स्टार्टिंग टू एंड देखिए, और वीडियो फिर अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए, मिलते हैं मार्केट। तो आ गई हूँ मैं जस्ट केक में। तो यहाँ मुझे केक तो नहीं लेना, मैं सोच रही हूँ कि दोनों के लिए दो कपकेक्स ले लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दो कपकेक्स, ये दोनों वैरायटी मैंने एक एक पीस ले ली। इसी से हमारा हो जाएगा क्योंकि केक हम दोनों को पसंद नहीं है। फिर मुझे रेड रोज चाहिए था, तो मुझे बड़े वाले मिले नहीं, तो ये छोटे वाले से ही काम चलाना पड़ा। और हमने कुछ वेजिटेबल शॉपिंग भी की। आ गई मैं वापस मार्केट से। सोच के गई थी कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, जो ज़रूरत है कल के लिए वही लूँगी, पर जाके मतलब इतना फ्रेश फ्रेश साग वगैरह दिखाना कि मैंने वो सब भी ले लिया। तो यहाँ पर बैंगलोर में अभी रिसेंटली हमारा कुलमी का जो साग होता है वो मिल रहा है, फिर फ्रेश पालक का साग भी था, तो वो सब मैंने ले लिया। साथ में मैंने देखा कि कुछ मतलब वो बास्केट्स वो लोग जो लेके बैठते हैं ना स्ट्रीट साइड में, तो वो भी वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए धोने के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है, तो वो सब भी ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ले ली। तो हमारा प्लान है कि कल हम सुबह, हम हर साल ही एक्चुअली एनिवर्सरी में जाते हैं जो भी हमारे पास वाले मंदिर होते हैं वहाँ पूजा देने के लिए। तो कल का भी मेरा कुछ ऐसा ही प्लान है। मैं लिटरली स्वेट कर रही हूँ अभी, बैंगलोर में बाहर बहुत ठंड है, पर मैं बैग्स नहीं लेके गई थी, सारा कुछ एक साथ हाथ में ही पकड़ लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई। तो हमारे, जैसा मैं बोल रही थी कि कल हम क्या करते हैं, हर एनिवर्सरी में हम पूजा देने के लिए जाते हैं, तो हमारा कल का भी कुछ ऐसा ही प्लान है। तो मैं फ्लावर्स उसके लिए लेके आई हूँ, और बाकी के फ्रूट्स मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। और मुझे बड़े स्टेम वाले रोज़ नहीं मिले, मुझे उनके लिए एक रोज़ लेना था। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी का ये 6th एनिवर्सरी है, बट मैंने आज तक उनको रोज़ नहीं दिया है, बट वो एवरी ईयर मुझे याद से एक देते हैं। तो इस बार मैंने प्लान करके मैं लेके आई हूँ, तो देखती हूँ शायद वो सरप्राइज होंगे। तो मम्मी डैडी तो सो चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने जो पेस्ट्री खरीदा है मैंने, तो वो मैं आई हूँ लेके। देखिए मुझे बड़ा रोज़ नहीं मिला, मुझे बहुत अच्छा लेकिन मैं उनको एक रोज़ दूँगी, तो मुझे ये छोटे फ्लावर्स मिले, तो मैं यही रख लेती हूँ। बड़े और छोटे से क्या है देने से मतलब है, और ये है दोनों कपकेक्स। इतना सारा सामान ला रही थी मैं कि मुझे लग रहा था कि कहीं खराब ना हो जाए। ये मेरा प्लेट रेडी है, तो अभी वो रूम में है, कांची भी अभी तक नहीं सोई है, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, तो मैं ये लेके जाऊँगी। तो मैं इतनी देर से सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर ये इन्होंने भी केक ऑर्डर कर दिया है, और ये साथ में लेके नहीं ऑफिस से, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा एकदम 12 बजे इनको कॉल आ रहा है। मैं सोच रही कि कौन कॉल कर रहा है। हाँ, कुहु केक खाएगी, और कुहु तो सोती नहीं है ऐसे भी, वो पापा के साथ केक लेके गई। चीज केक, दिस इज नॉट नॉर्मल केक। ओ चीज केक, हाँ, क्योंकि हम लोग को केक नहीं पसंद, इसीलिए मैं कप केक्स लेके आई थी, फिर वो बोले कि केक लेके आया। हाँ, लेकिन चीज केक मुझे पसंद है, वो यूएस से भी लाए थे, वो बहुत अच्छा था। चलो पहले खुली। हैप्पी बर्थडे बोल दिए कांची। यू हैव टू से हैप्पी एनिवर्सरी टू हू। वाओ, इट लुक्स यम। कहाँ से ऑर्डर किया ये? ये कौन से शॉप से ऑर्डर किया? चीज़केक फैक्ट्री। ओह, चीज़केक फैक्ट्री यहाँ भी है। कैसे कर रही है, जैसे पूरा केक वही खा जाएगी। चलो अभी यम।
यम है ना, नॉर्मल केक से बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा है। पता है मेरे को, इसीलिए यही ऑर्डर किया। आई लव चीज़ केक। यम्मी यम्मी की थे। यम्मी आई तो खाबे। हम्म। बट बहुत ठंडा है ना। अब कल खाना। अब कल खाना। गिफ्ट नहीं। आई वाला गिफ्ट दी हो। डैडी के लिए गिफ्ट। स्वेटशर्ट। घूमने जाना है हम लोग ऑलरेडी। डैडी का है ना? How is it? How is it? Am I looking good? Yes. My favorite color. Wow, looking good. तुम्हें तेरे झुके ही जाते हैं ना? ना झुके ही जाते हैं ना? चलो 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 nap time. चलो चलो देखे दाओ। हम अभी निकल रहे हैं यहाँ सामने मंदिर में पूजा देने के लिए, तो वहाँ 11 बजे मंदिर बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा। कुकू का ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा करवाया, बाकी सब आप भी पूजा दोगे? आप भी पूजा दोगे? हाँ हाँ। किसके? हाँ पूजा से वापस आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, तो पूड़ी और आलू की सब्जी थी आज ब्रेकफास्ट में। उसके बाद से हमें एक खुशखबरी मिल गई कि हमारी मेड आज नहीं आ रही है, तो अभी फिर काम पे लगना पड़ेगा। तो अभी झाड़ू पोछा सब कुछ, पूरा घर पूरा गंदा हो रखा है। पोछा तो नहीं करूँगी, मैं नहा चुकी हूँ, तो देखते हैं थोड़ा सा घर को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो आज के मेन्यू में, मतलब आज तो सुनंदा आएगी खाना बनाने के लिए, तो कुछ कुछ मम्मी बना रही है और कुछ कुछ सुनंदा बनाएगी। तो मेन्यू में क्या है, लंच पे मिलते हैं आपके साथ। तो झाड़ू वाड़ू लगा दिया, आज पोछा नहीं करेंगे, और नहा लिया था। इसके बाद झाड़ू वाड़ू करने में इतना गंदा लगता है, मैंने ड्रेस भी चेंज किया। और अभी पता है ये वाले जो बालकनी में ये सारे प्लांट है ना, ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हैं। ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है इनकी। तो कटिंग करने भी क्या होता है ना, मनी प्लांट वो भी बहुत मतलब उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और कटिंग्स को मैं पहले कुछ दिन पानी में रखती हूँ, जब वो रूट्स आ जाते हैं तब मैं पॉट में लगा देती हूँ। और इस बैल्कनी में ये वाला जो मैंने कॉर्नर किया है, ये वाला कॉर्नर प्लांट्स के लिए बनाया है, बट ये सारे पॉट्स मेरे अभी खाली है, क्योंकि मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ पिजन आके ख़राब कर देता है। तो इस बैल्कनी में भी लगता है नेट लगाना पड़ेगा। नेट लगाने से मुझे थोड़ा वो ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड फीलिंग आती है, पर नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हर जगह यहाँ गंदा कर देता है बिल्कुल। पीछे जब एक साल नहीं थी तब तो घर रहने लायक नहीं था, इनको तो लगा ये इनका ही घर है। तो अभी लंच हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो लेकिन सुनंदा आई है, वो कुछ कुछ आइटम्स जो बाकी है वो सब अभी वो बना रही है, फ्राइड राइस वगैरह सब वो बना रही है। उसके बाद हमारा नहाना धोना हो गया है, अभी मम्मी पापा ये लोग भी नहा लेंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे। यम्मी, इज इट यम्मी? You're having cucumber. That is radish. Radish. Radish, radish. और ये क्या है? ये? White color. This is white color. This is onion. No white color. Pepper. ये क्या चुवा रहा था? नाम बोलो. No rice. Fried rice. Fried rice. Hmm. Fried rice with mutton. बोलो तुम बोलो. हाँ बोलो. हमारे आज के मेन्यू में है फ्राइड राइस, ये है मुड़ी घंटो, मटन, लास्ट में है चटनी और उधर है सैलेड। हम शुरू कर दिया। हाँ, अब पापा शुरू कर दिए खाना, मम्मी भी आ रही है। ओ, आप भी शुरू कर दी? आपका तो हो भी गया लंच, ये आपका सेकंड टाइम लंच है ना? Thank you.
कहाँ जा रहे हो बेबी? आपको पार्क जाना है। आपको पार्क जाना है, तो आपने ये किसका चादर लिया हुआ है? ग्रे चादर। किसका? हाँ, ग्रे कलर का चादर तो है, पर ये किसका है? दादी जी का है ना? ये है छोटी दादी, ये बड़ी दादी है ना। डिनर के बाद हम लोग आए हैं थोड़ा वॉक पे। वो बहुत जिद कर रही थी कि थोड़ा वॉक पे जाना है। एकांशी का एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, दोपहर से उसको थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है, वायरल टाइप का लग रहा है हमें, इसलिए ज्यादा कुछ और फिर हमने शाम में कुछ किया नहीं। वो गुड नाइट बोल दो तो। अबे वो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट सबको, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एवरीवन, हैव अ गुड लाइफ। तो चलिए ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।